मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें बुके भेजकर उनका स्वागत करेंगे। अजीत और पवन आप दोनों प्लीज मंच पर आए, जेपी आप भी प्लीज मंच पर आए। और सबसे पहले स्वागत और उसके बाद पैनल डिस्कशन भी होगा, कई सारे पहलू हैं जिनको जानने की कोशिश हम करेंगे। बुके भेंटकर सबसे पहले स्वागत करेंगे पूरन प्रकाश जी और साथ ही राजेश चौधरी जी का। तो कई वो पहलू हैं जिन पर चर्चा इस खास कार्यक्रम के दौरान हम करने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, एक बार फिर से आपका स्वागत करता है जी मीडिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया अजीत पवन आप दोनों का। और अब पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए मेरे सहयोगी जेपी आप प्लीज मंच पर आए, जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही चर्चा करेंगे मथुरा को लेकर, जो अलग अलग विधानसभाओं से इस वक्त खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो विकास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों का, और किस तरह से एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उनको यहाँ पर जो लोगों की उम्मीद है किस तरह से उन उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, जानने की कोशिश होगी। जेपी ओवर टू यू। शुक्रिया कांचा, उत्तर प्रदेश की बात मथुरा से, तो पहले बोल दीजिए राधे राधे। देखिए क्योंकि ब्रज भूमि में है तो राधे राधे से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये राधा और कृष्ण की नगरी है और इसमें हम बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है, योगी सरकार का कितना फोकस है। और हमारे साथ दो दो विधानसभा के आपको बता दें विधायक है, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 2022 में जब चुनाव हुए तो 2022 में मथुरा की जनता ने बड़ा प्यार दिया बीजेपी को, यानी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। हालांकि 2017 में यह आंकड़ा अलग था, 4 सीटें आई, लेकिन 2022 में अब बहुत प्यार मिला है। उस प्यार के बदले अब यहां के नेता कितना प्यार दे रहे हैं जनता को विकास कामों के जरिए, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान पूरन प्रकाश जी हैं, बीजेपी के विधायक है, बलदेव से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी विधायक है माट माट विधानसभा का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजेश चौधरी जी के लिए तालियां बजा दीजिए, इन्होंने एक मिथक तोड़ा, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि जहां भी जिस भी दल में रहे श्याम सुंदर शर्मा वो जीतते रहे, लेकिन राजेश चौधरी जी ने वाकई में कमाल किया, उनको हरा दिया और वो लगातार 8 बार से वहां काबिज थे। तो चर्चा की शुरुआत माट से ही कर लेते हैं सर, ये कमाल कैसे कर पाए, क्योंकि मैं भी आया था विधानसभा चुनाव में, यहाँ घूमा माट में, सब कहते थे कि देखिए श्याम सुंदर शर्मा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान होती है और जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, वहां काम हो, उसके दुख दर्द को जानने वाला कोई ऐसा हो जो उसके मर्म को जान सके। आपका यह मानना होगा कि जो पूर्व विधायक थे वो अजय थे, मेरा ऐसा मानना नहीं था, मैंने तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मेरे जीवन का लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी तरह से माट विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाऊं और ऐसे व्यक्ति को पराजित करूं जो अपने आप को अहंकार में चूर होकर के अपराजित समझता है। उसमें मैंने सफलता हासिल की तो इसका श्रेय पूरी जनता जनार्दन माट क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एक एक वहां के बासिंदे को जो वहां निवास करते हैं उन सबको मैं इसका श्रेय देता हूँ और उनको बार बार इस आपके मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अगले 5 साल मुझे सेवा का मौका दिया, उनकी सेवा करूंगा और एक नया कीर्तिमान और माट विधानसभा की राजनीति में बनाऊंगा। सर अब क्या सेवा कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, प्राथमिकता रही है अभी, क्योंकि माट में बहुत जगह, अब देखिए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बिजली की बहुत सारी दिक्कत है, पहले तो कहते थे ऊर्जा मंत्री यहाँ कहते तो बिजली बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन बिजली की समस्या है, सड़कों की व्यवस्था बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में है ये पता किया कि सड़कों की व्यवस्था बेहतर नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है पीने के पानी, मीठा पानी यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इस पर आपका ध्यान है सर? देखिए कई चीजें आपने अपने सवाल में उठाई, वास्तव में जो आपने सवाल किया है एकदम जेन्युइन है और वो समस्याएं उस क्षेत्र में हैं। 5 विधानसभाओं के रूप में हम मथुरा वृंदावन पूरे मथुरा जिले को बांट करके काम कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है, वहाँ मंदिर है, वहाँ बिहारी जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोवर्धन विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है। बलदेव विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है। छाता एक विधानसभा है, उसका धार्मिक स्वरूप है। पर माट एक वैसी विधानसभा है जिसमें कोई विशेष ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, 2-3-4 मंदिरों को यदि छोड़ दें तो वहाँ पर राधा रानी का मंदिर है, वहाँ भांडी रमन में भगवान कृष्ण और राधा ने शादी की है वो एक मंदिर है। बाकी पूरे माट विधानसभा को देखेंगे तो पिछले कितने साल से वो नहीं जानती कि विधायक क्या होता है,
वहां की सड़कें वास्तव में खराब थी और पीने के पानी की समस्या पूरे ब्रजभूमि की है। उसके लिए योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसका पूरा एक पूरे जिले का खाका तैयार किया। पारला झाल यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जिले में एक स्थान आता है, वहां से गंगा का वाटर आएगा, गंगा का पानी आएगा पाइपलाइन डाल करके, और मैं वो सौभाग्यशाली विधायक हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उसका बेस बनेगा। पूरे मथुरा जिले को पानी देने का काम माट विधानसभा करेगी, उसके लिए जमीन एक्वायर कर लिया है। और इस उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे क्षेत्र में पूरा बेस बना करके हजारों करोड़ रुपए की, लगता है 10-11 हजार करोड़ की पूरी परियोजना है, उस पर काम शुरू हो गया है, जमीन एक्वायर कर ली है और वो बहुत जल्दी मूर्त रूप उसको देंगे। सड़कों का जाल जो खराब है वहाँ, उन सड़कों के जाल पे लगातार काम चल रहा है, लगातार। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं जाकर के लोक निर्माण मंत्री जी से मिला, तो एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ सड़क की है, छाता शेरगढ़ नौजील बाजना होते हुए जाती है ये एनएच अलीगढ़ वाले एनएच पे, चार हाईवेज को जोड़ती है। आप वहाँ जाएंगे तो हालत खराब है, क्योंकि किसी ने उस समस्या को उठाना उचित ही नहीं समझा। मैंने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, माननीय मंत्री जी को बताया, अब उस पर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी वो भी बन करके तैयार हो जाएगी, यानी मांड बदल रही है। मैं आप और एक बार फिर से मथुरा का रुख करते हैं, जहां सजा है हमारा खास मंच उत्तर प्रदेश की बात मथुरा से। विकास के लिए सरकार से मुहैया हुआ है, वो चाहे रोड में ले लें, सड़क पे ले लें, नहर पे ले लें, बम्बे पे ले लें, चाहे किसान की पेंशन राशि को ले लें, चाहे 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड ले लें, चाहे घर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचाने को ले लें, चाहे जो गरीब असहाय था, आंखें फोड़ता था, लकड़ी बीनता था तब चूल्हा जलता था, उसके एलपीजी कनेक्शन निशुल्क देने को ले लें। आप ये देखिएगा, चाहे और जो विधवा पेंशन जो अदर्स है कहीं नहीं था। आखिरी छोर पर जो बैठा था अंतोदय में बैठा था इंतजार में, अगर उसके सपने साकार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हुए हैं, हमारा धर्म बनता है, हमारा प्रयास बनता है, माँ के नुमाइंदे हैं हम, विधायक हैं। जो क्षेत्र की समस्या है जनता है, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे किसानों के पानी की हो, चाहे रोड की हो, चाहे क्राइम पे कंट्रोल की हो, अगर कंपेयरिंग कभी कर पाएंगे कि हम आज का देखें और आज से 10 साल बैक में देखें, तभी हम जोड़ पाएंगे कि हम कहां पर पहुंचे हैं। यानी अभी अभी पहुंचना है हमको। बिल्कुल बदलाव हो रहा आप मान रहे हैं, मैं आऊंगा आपसे और भी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। राजीव चौधरी जी, हम बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे, मथुरा के पूरे बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अब छोटे छोटे इश्यूज जो आम जनता के हैं। अगर एक यहाँ सबसे बड़ी बात है कन्वेंस की, यानी आपको कहीं जाना है तो बड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए आपको छाता से सेनवा जाना पड़ा या आपको नौझील जाना पड़ा, तो बस की कनेक्टिविटी कहीं नहीं है आपके क्षेत्रों में। ऑटो का इंतजार करिए, ऑटो का इंतजार करेंगे आप धक्का खाएंगे। बहुत से लोग कई कई किलोमीटर पैदल भी जाते हैं अभी भी आपके इन इलाकों में। आपको नहीं लगता कि बस की कनेक्टिविटी को अगर हम बेहतर करें, एक दूसरे के गाँव से जोड़ दें, तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कनेक्टिविटी होनी ही चाहिए। और आपने देखा भी होगा, मैं आपके विषय पर आ रहा हूँ, आपने देखा भी होगा मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थल है, ब्रजभूमि में ब्रजभूमि है, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसें जहाँ शुरू हुई हैं देश भर में, उनमें एक मथुरा वृंदावन भी है। आज आप इलेक्ट्रिक बस में बैठ करके वृंदावन जा सकते हैं, माट जा सकते हैं, छाता जा सकते हैं। और जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है जिसको हम सामान्य यातायात कहेंगे, उसमें लगातार सुधार हो रहा है और अभी कई सौ बसें और आने वाली हैं मथुरा वृंदावन। ग्रामीण क्षेत्रों की बात, ग्रामीण में भी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया माट मैंने शुरू करवाई, बस छाता आज बस जाती है, शेरगढ़ आज इलेक्ट्रिक बस एसी बस जाती है, मैं सामान्य बसों की बात नहीं कर रहा। पहले तो जेएनएम की बहुत सारी बसें वहां चल रही थी, ये स्थिति आज है। दूसरी बात, हमारा धार्मिक स्वरूप है, बहुत सारा पर्यटक दुनिया भर से यहाँ आता है और एक बड़ी अच्छी कल्पना ब्रज के बारे में लेकर के आता है कि बहुत सुंदर ब्रज होगा, साफ होगा, उस पर लगातार सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और उसके मध्य में होता है वृंदावन, वृंदावन की आज देखिए ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है, क्योंकि जगह छोटी है, तीनों तरफ से वृंदावन सैचुरेटेड हो चुका है, ट्रैफिक आते हैं तो 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है, ई रिक्शा से जाना पड़ता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने वहाँ प्रपोजल दिया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी के मंदिर के सामने यमुना बह रही है, यमुना बह रही है, यमुना के सामने पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा बंजर खादर है,
यदि आप कुछ नहीं करेंगे, कम से कम दो पुल भी बना देंगे, दो ब्रज का निर्माण भी कर देंगे, तो एक नया वृंदावन बस जाएगा। उसको सरकार ने गंभीरता से लिया, उसकी DPR बन रही है, वहाँ दो ब्रिज का निर्माण होगा, उधर पार्किंग का निर्माण होगा, वहाँ आश्रम बनेंगे, मंदिर बनेंगे, देवालय बनेंगे, और वहाँ पर नया एकदम न्यू वृंदावन बसने का काम होगा। वहाँ पर बिहारी जी का झूला भी बनेगा, जो कॉरिडोर की हम आज बात कर रहे हैं, बिहारी जी कॉरिडोर, उसका जो असली स्वरूप है वो तो माट में ही बनेगा, क्योंकि इधर तो जगह बची नहीं है। वहाँ आप देखोगे हाईवे से शुरू हो जाओ, छठी करा से लेकर के और वृंदावन चारों तरफ से घिरा हुआ, एक ही जगह बचती है। तो वो जो स्वरूप निकल करके आएगा, जब कोई बाहर से, मान लो अमेरिका का व्यक्ति, हमारा अप्रवासी भारतीय वहां से आता है और वहां करके देखेगा कि यमुना मैया बह रही है, साफ उसका पानी है, बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, सामने बिहारी जी विराजमान है, उनका मंदिर दिख रहा है, तो उसको वही स्वरूप दिखेगा। 60 साल जिन्होंने शासन किया इस देश पर, उन्होंने अन्याय किया है, कभी कोई किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि भोले बाबा की नगरी में, काशी में भी काशी कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। किसी के दिमाग में ये नहीं आया होगा मोदी जी से पहले उज्जैन में महाकाल की नगरी का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी के दिमाग में नहीं आया होगा अयोध्या, क्योंकि ये सब तो हमारे खाते में लिखा हुआ था, हमारे भाग्य में था, ये इतिहास हम लोग बना करके जाएंगे और ब्रज को पूरा परिवर्तित करके उसका जो मूल स्वरूप है उसका निर्माण होगा। इस पर योगी जी और केंद्र की सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और हमारा तिल तिल और एक एक पल इसी में समर्पित होकर के हम काम कर रहे हैं।